तो यार आज हमारे पास बहुत सारी आने अपडेट्स है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना वरना तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि सन ड्रैगो एक्स से तो यार सबा हो गया। हमारी पहली अपडेट है अटैक ऑन टाइटन एक नई प्रोजेक्ट को अनाउंस करने वाली है बहुत जल्द, यानी कि उनकी एनिवर्सरी आ रही है शायद से, तो इसी वजह से वो लोग नई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हो सकता है कुछ स्पेशल या फिर कुछ मांगा या फिर कोई नई कवर, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है। इसके बाद नारुतो शिपुडन के बारे में बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि नारुतो शिपुडन के डबिंग डायरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटर्स की बातें हुई थी डबिंग रिलेटेड कंसर्न्स की, वो लोग बात कर रहे थे वहां पर और मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई थी। पर अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है कि उस इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई थी, तो आप गोकू ऑफिशियल रियल के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। वहां पर उसने एक पोस्ट डाल रखा है जहां पर उस इंटरव्यू में हुई सारी बातों को उसने वहां पर डाल रखा है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उनके इंस्टाग्राम पेज को जाकर उनको फॉलो कर सकते हो। इसके बाद मुशोकु टेंसाई सीजन 2 पार्ट 2 की हिंदी डब कंफर्म हो चुकी है, जो कि काफी अच्छी बात है। खुद न्यूज इंडिया ने इसे कंफर्म किया है, सो दैट्स गुड टू नो। इसके बाद जुजुत्सु काइसन फैंटम परेड गेम की प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर तुम गेमिंग में इंटरेस्टेड हो और जुजुत्सु काइसन के फैन हो तो तुम जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हो फिलहाल के लिए। इसके बाद ससागी एंड पीप सीजन 2 बहुत जल्दी आ रही है, सो या नाइस। इसके बाद जंप फेस्ट का 2025 में टोटल 42 टाइटल्स अक्रॉस 4 स्टेजेस होने वाले हैं। तो जंप फेस्ट में सब लोग यू नो अपने एनिमेस के बारे में बात करते हैं, कोई मांगास के बारे में बात करता है, रिलीज डेट टाइटल अनाउंसमेंट जो भी हो, तो तुम डेट्स मांग कर सकते हो और बाद में जाकर अपने हिसाब से अपनी न्यूज़ वहाँ पर ढूंढ सकते हो। इसके बाद ग्रैंड ब्लू की नई इन्फॉर्मेशन आएगी 7 अक्टूबर को, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। मोबाइल सूट गंडम दी ओरिजिन मूवी की एडिशन अनाउंस की गई है। मैं मोबाइल सूट गंडम का बहुत बड़ा फैन था, यानी कि अभी भी हूँ, मतलब बचपन में बहुत देखता था, फिर मैंने बहुत सालों से देखा नहीं है, बट इट्स गुड टू नो कि अभी भी कुछ ना कुछ करके वो लोग चला रहे हैं तारक मेहता की तरह। बट तारक मेहता इस शिट ये लोग कम से कम अच्छा कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दी न्यू एपिसोड्स। इसके बाद ब्लू बॉक्स की वर्ल्ड प्रीमियर होने वाली है यूट्यूब पर 7 सितंबर को, जो कि अच्छी बात है। तो अगर तुम यूट्यूब पर आने में देखना चाहते हो तो तुम इसका प्रीमियर मिस मत करना। इसके बाद याईबा नाम की एनिमे का नया ट्रेलर बाहर निकल आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था यार। यानी कि मुझे इतना पता नहीं है, पर जब मैं इसके बारे में ऐसे ही देख रहा था कॉमेंट्स में, तो लोग ऐसे कह रहे थे कि ये पहला एक एनिमे था जिसका रीमेक ये लोग वापस बना रहे हैं। सो दैट्स गुड टू नो कि वापस चीजों को रिसाइकल किया जा रहा है, सो या गुड। इसके बाद दैट टाइम आई गॉट टू इनकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 2 हिंदी डब के साथ द न्यूज इंडिया पर बहुत जल्दी आने वाली है, और इस अपडेट के लिए सेनपाई नेटवर्क का शुक्रिया। तो गाइज मेरा एक छोटा काम करते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्लीज दबा देना, क्योंकि हम 100K के काफी ज्यादा करीब है, और अगर आप सब्सक्राइब के बटन को दबा देते हो तो आपको यहाँ पर सारी एनिमे न्यूज बहुत जल्दी मिल जाएगी, जैसे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस नहीं करोगे। तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट की मूवी क्रंची रोल पर आने वाली है 6 सितंबर सुबह के 5:30 बजे पर। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में नहीं आ रही है, ये बाहर के सर्वर्स पर आ रही है। सब कुछ बाहर ही आता है, इंडिया में क्यों नहीं आता आई डोंट नो। अटैक ऑन टाइटन अच्छी तरीके से इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर तुम ड्रैगन बॉल के सीरीज देखना चाहते हो तो वो इंडिया में नहीं है, सिर्फ एक मूवी क्रंची रोल ने डाल रखी है। अगर तुम वन पीस के पुराने एपिसोड्स देखना चाहो तो वो भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। नारुतो शिपुडन तुम इंग्लिश डब में देखना चाहो वो भी इंडिया में नहीं है। और ये सब ये लोग जानते भी है कि ये सारे एनिमेस कितने ज़्यादा पॉपुलर है, डिस्पाइट दैट वो लोग लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट दैट हार्ड कि हम लोग ला ही नहीं सकते या फिर लाइसेंस का इशू हो रहा है, ये लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट दे जस्ट चूज टू नॉट ब्रिंग इट। एंड जब हम उसको पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो उनका यही रिएक्शन होता है, भाई हम तो ऐसे ही है, भाई हम तो ऐसे ही है। सो आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए, हंसू या रो आई डोंट नो, बट देखते हैं। इसके बाद शिनचैन की नई वॉइस कास्ट आपके सामने है। तो शिनचैन अगर तुम नहीं जानते हो तो सोनी ए पर आ रहा है अभी, और सोनी ए ने इसकी वॉइस को चेंज कर दिया है, वॉइस कास्ट को चेंज कर दिया है, तो उसके दो लोगों के नाम आपके सामने है, तुम देख सकते हो। सो हाँ, सोनी ए पर शिनचैन अच्छा खासा ही चल रहा है, मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं एंड दी डबिंग साउंड्स गुड, सो तुम देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं ड्रैगन बॉल डायमा के बारे में। तो ड्रैगन बॉल डायमा का नया ट्रेलर बाहर निकल आ चुका है, विच लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, और ड्रैगन बॉल डायमा की इंग्लिश डबिंग भी शुरू हो चुकी है। तो तुम में से काफ़ी लोग मुझे पिछले वीडियो में कह रहे थे कि क्या ड्रैगन बॉल डायमा हिंदी डब के साथ आएगा, क्या ड्रैगन बॉल डायमा ही यू नो कार्टून नेटवर्क पर आएगा। तो आई वुड से कि अभी देखो, ड्रैगन बॉल डायमा बस शुरू होगा,
पहले तो जापानीज में आएगा, धीरे धीरे उसकी इंग्लिश डब आएगी, तो कार्टून नेटवर्क पर उसको एक्सपेक्ट मत करना अगले कुछ एक दो सालों के लिए। मे बी आगे जाकर यानी कि 3-4 सालों बाद मे बी अगर कार्टून नेटवर्क तभी भी एनिमे इसको लाने की ट्राई कर रहा है, अगर उनको तभी भी लग रहा है कि एनिमे हमें दिखाना चाहिए, तो आई गेस वो लोग डेफिनेटली ड्रैगन बॉल डायमा को लाने की ट्राई ज़रूर करेंगे। अभी मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि आई वुड से नेवर, क्योंकि पहले जब मैं कह रहा था कि नारुतो शिपुडन इंडिया में आएगा, तभी भी काफ़ी लोगों ने मुझे रोस्ट किया था कि ये देखो क्या फालतू बातें कर रहा है, ये तो फेक न्यूज़ दे रहा है कि नारुतो शिपुडन इंडिया में, वो भी इम्पॉसिबल है, टीवी पर इम्पॉसिबल है। पर फिर क्या हुआ, नारुतो शिपुडन आ गया। माय हीरो एकेडमिया के बारे में किसने सोचा था कि वो इंडिया में आएगा, वो भी कार्टून नेटवर्क पर आया ना। तो आई वोंट से कि इम्पॉसिबल है, नेवर से नेवर, मे भी हो सकता है, बट हाँ अगले एक दो सालों के लिए तो मैं कहूँगा कि मत एक्सपेक्ट करना। उसके बाद आई गेस देर इज़ अ चांस कि कार्टून नेटवर्क ड्रैगन बॉल डाइमा को ला सकता है, क्योंकि तुम देख सकते हो कार्टून नेटवर्क ड्रैगन बॉल की हर सीरीज़ को लाते जा रहा है, कब से मूवीज़ पे मूवीज़ दिखाते जा रहा है। सो हाँ, अगर ड्रैगन बॉल डाइमा पॉपुलर होता है और कार्टून नेटवर्क तभी भी अगर एनिमे के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहे, तो आई कैन डेफिनेटली सी ड्रैगन बॉल डाइमा कमिंग ऑन कार्टून नेटवर्क। तो यू नो, नेवर से नेवर, लेट्स सी क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही यार, इतने ही न्यूज़ थे आज। मैं जानता हूँ इतना ज़्यादा कुछ खास न्यूज़ में मिली नहीं होगी, बट हर दिन यू नो पनीर और चिकन मटन नहीं बनता, कभी कभी दाल चावल भी चलता है यार, बट क्या करें। तो हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगन एक्स। बाय बाय।